इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव पुणे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, वो आत्मविश्वास बढ़ेगा तो किसी के माध्यम से ही, और वह माध्यम होगा जो हमसे बहुत ऊंचा होगा, जो हमारे ही लेवल का होगा अथवा हमसे नीचा होगा, वो हमें बचा नहीं पाएगा, वो हमें संभाल नहीं पाएगा। जब हम डूब रहे हों तो बचाने वाला हमसे ऊपर होना बहुत जरूरी है। ये सामने वाला भी डूब रहा है, सामने वाला भी हमारे ही समकक्ष है, हमारे ही पैरेलल है, तो भी नहीं बचा रहेगा। आप डूब रहे हो नदी में, जो आपको ऊपर खींच ले उसका ऊंचे प्लेटफॉर्म में रहना बहुत जरूरी है, तभी वो आपको पूरा बल लगा, फोर्स लगा करके ऊपर खींच पाएगा। यदि आप कुएं में हैं, गिर रहे हो, कुएं से आपको निकलना है, ऊपर उठना है, तो जो आपको ऊपर खींचेगा उसका हमसे ऊपर होना बहुत आवश्यक है। यदि वो हमसे नीचे हो, हमारे साथ ही हो, कभी भी वह हमें ऊपर नहीं उठा पाएगा। यदि हम ऊपर उठना चाहते हैं जिंदगी की इन क्षणों में, इन पलों में, तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसा अवश्य होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, जो हमें हमसे बेहतर तरीके से समझता है, जानता है, पहचानता है। हमारे मन की हर दशा तक उसकी गति हो जाती है। हम कुछ भी ना कहें फिर भी वो मन की बात को समझ ले। हम निराशा से भरे हैं कि आशा से भरे हैं, हम डरे हैं कि एकदम पॉजिटिविटी लिए हुए हैं, हमारी इच्छा शक्ति सो गई है अथवा सुप्त हो चुकी है अथवा मर चुकी है, इच्छा शक्ति बहुत ऊंचे स्तर पे है, वो यह भी जानने वाला हो तो समझना हम उसकी शरण ले पाएंगे। और जब उसकी शरण ले लेंगे तो निश्चित रूप से वो कॉन्फिडेंस लेवल जिसकी हम आकांक्षा करते हैं, जिसे हम चाहते हैं, पा जाएंगे, बहुत ऊपर उठ जाएंगे। बस जिसने उस अत्राण भय को जीत लिया, उसको समझ लिया, ने जिसके भीतर वो आत्मविश्वास पैदा कैसे हो यह जान लिया, वह व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी हाल में रहे, किसी भी कंडीशन में रहे, किसी के भी साथ रहे, वो कभी नहीं घबराएगा, कभी टूटेगा नहीं, हर परिस्थिति का सामना वो आसानी से कर जाएगा। चुनौती सामने कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, चैलेंज कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सामने चट्टान भी हो, पर्वत भी हो, उसे भी तोड़ करके वो आगे बढ़ जाएगा। पर्वत कितना हार्ड होता है, कितना सॉलिड होता है ना, और जल पानी कितना होता है, क्या कभी पानी पर्वत को तोड़ सकता है, क्या जल के पास इतनी शक्ति है कि पर्वत को चीर दे? हाँ, जो रॉक होती है उसकी सॉलिडनेस देखो, उसकी स्ट्रेंथ देखना, और जो वाटर है उसकी स्ट्रेंथ देखना, पानी कैसा रहता है, कौन पावरफुल है, हमें बताइए, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, जल की किस रॉक की, किसकी स्ट्रेंथ, रॉक की कि जल की? रॉक इतना पावरफुल, इतना सॉलिड है, सब कुछ है, स्ट्रेंथ बहुत है, और जल की कोई स्ट्रेंथ नहीं है, फिर भी वो जल की स्थिति देखना, जब कंसिस्टेंसी उसके भीतर होती है, वो बहता हुआ जल भी उस पर्वत को चीर करके आगे बढ़ जाता है। चैलेंज कितने भी कठिन क्यों ना हो, और हमारी स्थिति, हमारे मन की स्थिति उस जल की भांति भी क्यों ना हो, लेकिन जब अंदर उस आत्मविश्वास से हम भरते हैं, वो चैलेंज भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता, वो भी दो भागों में विभाजित हो जाएगा, टूट जाएगा, बिल्कुल पानी उसे फाड़ करके, चीर करके आगे निकल जाता है। और देखा होगा, देखा होगा आपने, किसी नदी को देखा होगा, उसके रास्ते में जो भी आते हैं
उसे चीर करके वो पानी की धार आगे बढ़ जाती है। रुकती है? नहीं रुकती। जल जो है हमेशा मोमेंट में रहता है, स्थिर रह नहीं पाता। इवन जब डैम भी बना दिया जाता है तो ऐसा ना फ्लो हो करके अपवर्ड मूवमेंट उसका होने लगता है ना? डैम को देखा है किसी? नहीं देखा डैम को? जहाँ जिस रिवर में डैम नहीं होती है तो उस रिवर का जो फ्लो होता है सीधा स्ट्रेट होते रहता है, पानी ऐसे ही बहते रहता है। लेकिन जैसे ही डैम कंस्ट्रक्ट किए कर दिया जाता है, अब पानी के लिए एक बहुत बड़ा बैरियर आ गया, तो भी पानी रुकता नहीं है। पानी अब ऐसा मुंह न करके वो ऐसा ऐसा मुंह करने लगता है, देखना ध्यान से, और वो डैम के ऊपर से निकल जाता है। और डैम में भी छोटे छोटे होल्स देना पड़ता है, यदि होल ना हो तो डैम भी उड़ जाएगा, टूट जाएगा। किसी डैम को जा करके ध्यान से देखना, उसके गेट्स को जा करके ध्यान से देखना, देखना छोटे छोटे रास्ते उसमें दिए जाते हैं छोटी छोटी धाराएं निकलने के लिए। टोटल बैरियर यदि लगा दिया जाए तो डैम रह ही नहीं पाएगा, पानी रुक ही नहीं पाएगा, उसे चीर करके आगे निकल जाता है। तो चैलेंजेस भी हमारे लाइफ में ऐसे ही होते हैं। हम उस जल को देख करके, उस जल की धार को देख करके, उस रिवर के फ्लो को देख करके सीखें, समझें, भले ही चैलेंज कितना बड़ा भी क्यों ना हो, सॉलिड रॉक की भांति भी क्यों ना हो, लेकिन हमारे भीतर वो कंसिस्टेंसी है, हमारे भीतर वो पेशेंस है, हमारे भीतर वो धैर्य है, हमारे भीतर वो आत्मविश्वास है, वो रॉक जैसी सॉलिड चैलेंज देने वाली सिचुएशन भी हम पर हावी नहीं होगी, बल्कि हम उसको आसानी से पार ही नहीं, चीर करके आगे निकल जाएंगे। हमारी बात समझ में आ रही? नहीं समझ में आ रही? तो सारा खेल है उस कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्टअप करने का, उस आत्मविश्वास को बढ़ाने का। जिसके भीतर आत्मविश्वास आ जाएगा वही व्यक्ति पूर्ण निर्भय रह सकता है, उसे फिर किसी का भय नहीं, किसी कंडीशन से उसे डर नहीं लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिस्थिति कितनी विकट भी क्यों ना हो, कैसी भी क्यों ना हो, उसे कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि उसका आत्मविश्वास इतना बड़ा हुआ रहता है, वो सब पर कंट्रोल करके आगे बढ़ता चला जाता है। तो सबसे बड़ा सॉल्यूशन जो है कॉन्फिडेंस लेवल, वह आत्मविश्वास। अब वह कैसे पैदा हो, अब यह समझने की बात है। तो हम उनकी शरण लेना सीखे जो हमसे बहुत बड़े हैं, बहुत ऊंचे हैं, बाहर से ही नहीं भीतर से भी, जिनका मन बहुत मजबूत है। और आचार्य भगवान ने कहा है, अरिहंत सिद्ध साधु और धर्म, इस दृष्टिकोण से इनकी शरण लेना सीखो, बिल्कुल रास्ता आपको मिलता चला जाएगा, चिंता नहीं करना, आप स्वयं उन जैसे होते चले जाएंगे। लेकिन आपने आज तक इस एंगल से उनकी शरण ली ही नहीं, आपका अप्रोच ही डिफरेंट रहा है, अलग तरीके का रहा है। शरण ली है आपने किसी की? है आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्तित्व जो आपको संभाल सके, अंदर से मोरल सपोर्ट देने वाला है? ऐसा आपके जीवन में ऐसा कोई गुरु, वो साधु है, ऐसे कोई अरिहंत है, ऐसी कोई शक्ति जिन्हें हम शुद्ध आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उत्कृष्ट आत्मा कहते हैं, सिद्ध आत्मा कहते हैं, नाम हम उसे कुछ भी दे दें, वो पॉजिटिव वाइब्रेशन जो पूरी यूनिवर्स में फैली हुई है, उनसे हम कुछ ले पाए, बस उनसे लेना सीखें, तो व्यक्ति बहुत ऊंचा उठ जाएगा। क्योंकि अपन सभी लोग कैसे हैं, उस बेल की भांति हैं। देखिए बेल लौकी की, तुरई की कैसी होती है, कहाँ बढ़ती है? वह ऊपर बढ़ती है, तिरछी बढ़ती है, नीचे बढ़ती है, कहाँ जाती है? कितने लोगों ने उस लौकी की और तुरई की बेल को देखा है? क्या बोलते, कौन सी सब्जी बोलते, गिलकी, तुरई, पता नहीं और जो जो भी नाम है, नहीं
वो बेल कैसी बढ़ती है? ऊपर की ओर, स्ट्रेट, तिरछी, नीचे, कहाँ बढ़ती है? जहाँ उसे सपोर्ट मिलता है उस दिशा में वो बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल, यदि उसे एक लकड़ी का, एक पोल का सपोर्ट दे दिया जाए तो वो सीधे 90 डिग्री ऊपर चढ़ने लगेगी, लेकिन उसकी स्वयं की क्षमता बिल्कुल नहीं है। विदाउट एनी सपोर्ट वो स्ट्रेट बढ़ ही नहीं सकती, इधर उधर फैल करके रह जाएगी और नष्ट हो जाती है, अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को खो देती है। लेकिन जैसे उसे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है, किसी की शरण मिल जाती है, सीधा उसका मूवमेंट अपवर्ड, वर्टिकल, 90 डिग्री होने लगता है। बिल्कुल, जबकि अंदर की उसकी शक्ति कुछ नहीं है। एक वृक्ष का तना होता है, उसकी डगाल होती है, उसकी सॉलिडनेस होती है, उसका पावर होता है, वृक्ष अपने आप पे ऊपर बढ़ सकता है, लेकिन बेल कभी भी अपने दम पे ऊपर नहीं बढ़ सकती। उसे ऊपर बढ़ना है तो किसी का सहारा, किसी का सपोर्ट, किसी की शरण की आवश्यकता होती है। तो ह्यूमन बींग बिल्कुल वैसा ही है, बिल्कुल मान करके चलना। जिस स्टेज में आप सभी लोग हैं, कोई इस वृक्ष के तने की भांति नहीं कि अपने दम पर सीधे उठ पाओ। ऐसे बहुत रेयर होते हैं लोग जिन्हें किसी सपोर्ट की आवश्यकता नहीं होती है, जिनका विल पावर, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना मजबूत होता है, वो अपने दम पर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जनरली 99.9% लोग जो होते हैं, ह्यूमन बीइंग होते हैं, वो उस बेल की भांति होते हैं। ऐसे ही है ना जीवन आप? जब बेल हो तो किसी की शरण बहुत आवश्यक है। तो वह कॉन्फिडेंस लेवल हम कैसे बढ़ाएं? अब बात इसकी आती है। तीन तरीके हैं। एक अरिहंत, अरिहंत मीन्स जो उस स्टेज पर पहुंच चुके हैं जिनकी सोल बहुत पावरफुल है, हमसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, सिद्ध परमात्मा जिसे व्यक्ति भगवान मानती है, शुद्ध, और जिन्हें हम देखते हैं अपने डे टू डे लाइफ में गुरु के रूप में, जिनके जीवन में तीन आ जाए उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊंचा रहेगा, उसका आत्मविश्वास अलग ही प्रकार का रहेगा। वो हर जगह आवश्यक होता है, बस हमें लेना आना चाहिए। अर्जुन को देखा है, महाभारत के उस दृश्य को देखा होगा। महाभारत के उस दृश्य में जब अर्जुन खड़ा था, सामने पूरी कौरवों की सेना खड़ी थी, अंदर से वो टूटा हुआ था, घबराया था, पोटेंशियल उसके भीतर बहुत था, शक्ति उसके भीतर बहुत थी, क्षमता उसके भीतर बहुत थी, लेकिन उसने सारे हथियारों को डाल दिया था, जो उस युग का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, उसने अपने धनुष बाण को नीचे रख दिया था। क्यों? उसका आत्मविश्वास गवाही नहीं दे रहा था, कैसे मैं इन लोगों के ऊपर अस्त्र शस्त्र चलाऊं, कैसे इन बाणों का प्रहार करूं। उस समय किसने उसे संभाला था? श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण जी ने कौन सा काम किया था, ये जानना चाहते हैं। महाभारत का उस दृश्य को याद करो। एक तरफ कौरव, एक तरफ पांडव थे। कौरवों की सेना अपार, करोड़ में कई कोटि सेना, और पांडव की सेना लिमिटेड। इसके पास सिर्फ 5 भाई, चंद लोग और श्री कृष्ण जी, वो भी निहत्ते, शस्त्र से रहित, चक्र से रहित, सेना से रहित। ऐसा क्या घट गया उन पांडवों के साथ? जब हम मैथमेटिक्स के अनुसार देखते हैं, संख्या बल के हिसाब से देखते हैं, सेना को देखते हैं, तो जहां इतनी विशाल समुद्र की भांति सेना और जो दूसरे पक्ष में कुछ भी नहीं, वो समुद्र की भांति सेना हार गई, परास्त हो गई। 5 पांडव और 1 श्री कृष्ण को लेकर जीत गई, कैसे घटित हो गया?
बता सकते हो? क्या घटा, आखिर घटा क्या भीतर वहां पे? जीवन भी बिल्कुल ऐसा ही है, एक रण क्षेत्र की भांति है। सराउंडिंग हमारी बिल्कुल उन कौरवों की भांति ही है। हर मोड़ पे, हर पल पे व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी ऐसी समस्या हैं, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो अंदर ही अंदर उसे डराने लगते हैं, जिसका कॉन्फिडेंस लेवल उसे देख करके टूटने लगता है, घबराने लगता है। चाहे वो घर में हो, चाहे ऑफिस में हो, चाहे बिजनेस क्षेत्र में, कहीं पर भी क्यों ना हो, चाहे वो सोसाइटी में हो, जब आँख खोल करके आप बाहर देखते हो क्या नजर आता है, आपका मन क्या कहता है, उन सिचुएशंस को, परिस्थितियों को देख करके कौन सा विचार आता है। परिस्थितियां बड़ी विकट हैं, बड़ी भारी हैं, और हम बड़े कमजोर हैं, है ना? हम इससे पार नहीं हो पाएंगे, इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने बहुतों को देखा है, जब जब उनके सामने ऐसी सिचुएशन पैदा हुई है उनका मन हार गया, डर गए, उनका आत्मविश्वास कमजोर पड़ गया, जैसा अर्जुन का पड़ गया था, बिल्कुल पड़ गया था। अर्जुन ने सारे हथियार नीचे रख दिए थे, हार मान ली, छोड़ो, क्या लड़ाई करना, क्या युद्ध करना, जीवन इतना निकाल दिया है, भविष्य भी वैसे ही निकाल देंगे। उस समय श्री कृष्ण जी ने उसे कुछ कहा था, कोई उपदेश दिया था। कौन सा उपदेश मिला था उसे? बस उस उपदेश को सुनकर के अर्जुन के मन में क्या पैदा हो गया था बताओ? सुनिए महाभारत, गीता सुनी, पढ़ी, कुछ देखा तो होगा। क्या कह दिया आखिर? कौन सा मंत्र फूंक दिया था श्री कृष्ण जी ने? कुछ कहा था कि नहीं कहा था? बस और कोई काम नहीं किया था। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव पुणे।